आज हम आपका स्वागत करते हैं फेस फेस न्यूज़ में, और आज हम हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जिन अलिफ मूवी का हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में हैं, और आज हम बात करते हैं डायरेक्टर कम राइटर कम प्रोड्यूसर से। सर, आपको अलिफ मूवी ही क्यों सूझी, मतलब आपने क्या सोचकर यही मूवी चूज़ करी कि आप एक अनोखी मूवी बनाना चाहते हैं, न्यूज़ एक मतलब आप कॉम के बारे में आप मैसेज देना चाहते हो, तो आपने यही मूवी क्यों चूज़ करी? नहीं, मैं पहले पत्रकार था और मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि सिनेमा जो है वो समाज के साथ बहुत कनेक्ट है, तो ज़रूरी है कि इस तरह की फिल्म बने। ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, जो सिनेमा जो माध्यम है सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। मैंने पहले भी फिल्म बनाई थी, वो थोड़ी हार्ड हिटिंग फिल्म थी, इस तरह की फिल्म थी, तो मेरी कोशिश ये थी कि सिनेमा ऐसा बने, फिल्म ऐसी बने जो थोड़ी समाज के लिए झकझोरने वाली हो, जिसके बारे में लोग बात करें। क्योंकि आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, सारी चीज़ें करके आते हैं, सिर्फ आप बैठ के टाइम पास पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं, सिनेमा ये मेरा मानना है। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की फिल्में बनाई जाएँ जिससे आज की जो बातें हैं देश में, जो बदलाव हो रहे हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो रही हैं, उस वो सारी चीज़ें सामने आएँ। इसलिए अलिफ की कहानी अब सामने आ रही है। सर, ये जो मूवी है इसकी स्टोरी क्या आपकी कभी बचपन से रिलेट की हुई स्टोरी है, या मतलब आपने खुद से सोच कर बनाई है, कुछ देख कर बनाई है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी तो पर्सनल स्टोरी नहीं है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी पे जहाँ वो रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उसका बहुत असर पड़ता है। ये कहानी बनारस की कहानी है, वहाँ के बहुत सारे बच्चों की कहानी ऐसी हो सकती है, तो ये उस माहौल की कहानी है, ये कोई मेरी पर्सनल कहानी नहीं है, बनारस की कहानी है, तो ये कहना नहीं सही है कि मेरी कहानी है। हाँ, लेकिन मेरे आसपास की इस तरह घटनाएं, चूँकि मैं जर्नलिज्म के दौरान ही मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, तहों तक गया, देखी, तो उस तरह की कहानी है, एक छुपी हुई कहानी जिसको मैं सामने ले आया, जिसको मैं जानता था, इस तरह की कहानी, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली ये मूवी आप लोगों के लिए बना रहे हैं, लोगों को मैसेज देने के लिए, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इस मूवी के बारे में, कि आप और ऐसी मूवीज बनाएंगे या लिखेंगे, ऐसे ही प्लॉट्स होंगे क्या? नहीं, ऐसे प्लॉट्स नहीं होंगे। अभी हम कुछ इस साल एक बड़ी फिल्म नकलची में कर रहा हूँ, अभी स्टार कास्ट नहीं डिसाइड है उसकी, हमारी बातचीत चल रही है बहुत सारे लेवल पर, बड़ी फिल्म है एजुकेशन सिस्टम पर लेके। हम अब जिस तरह हमने ये एक थोड़ी टिपिकल फिल्म बनाई, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग बनाई, अभी हम थोड़ा सा थोड़ा एंटरटेनिंग बनाएंगे और, लेकिन बड़े लेवल मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो सिनेमा में, मेरे सिनेमा में पर्सनली कि स्टारकास्ट और बड़ी होती जाएगी, कहानियां और बड़े लेवल पर होती जाएंगी, लेकिन जो मैसेज देने वाली बात है समाज को, उनको झकझोरने की बात है, उनको हिलाने की बात, वो हमेशा रहेगी। तो सर, आपको क्या दिक्कतें तो बहुत आई होंगी इस मूवी को बनाने में, वो क्या दिक्कतें रही हैं बेसिकली, जो बताना चाहते हैं लोगों को हमने कि ओवरकम करके हमने ऐसी मूवी बनाई है, वो क्या है? प्रॉब्लम आती है इस तरह की, जब इस तरह का सिनेमा बनाते हैं ना, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को कन्विंस करना, टीम को कन्विंस करना कि भाई हम बना रहे हैं, इस तरह का फिल्म बना रहे हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए। कई बार लोगों को लगता है कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना, अरे नहीं यार ये नहीं चलेगा, मुश्किल है, कई बार सेंसर ये पास करेगा नहीं पास करेगा, तो कई तरह के डर घूमते रहते हैं। ये ज़्यादा बेसिक डर इसी तरह के हैं कि मान लीजिए कोई मैं डायलॉग यूज़ कर रहा हूँ फिल्म में, अब वो लगता है कि यार सेंसर वाला पे कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी हम क्या तैयारी करें, तो फियर होता है। लेकिन इंसान मेरे ख्याल से आगे वही बढ़ता है जो डर से आगे बढ़ के चाहता है, कुछ प्रोसेस लेता है कि ठीक है एक डायलॉग देखते हैं, ये भी लगा के इस तरह का ये सूट कर रहा है, तो ये उस तरह की बात है कि डर तो है, मुश्किलें हैं बहुत सारी, और लोगों को कई बार कन्विंस करना मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल मिला के अगर मैं कहूँ, तो जब मुश्किलें अगर नहीं हो सिनेमा में, तो सिनेमा हो नहीं सकता। मोस्टली हर सिनेमा में मुश्किलें होती हैं, इसमें इधर भी लोगों को कन्विंस करना, समझाना, कई बार लोगों को लगता है, क्योंकि इंडिया में क्या लोगों को आदत पड़ गई है सिर्फ मज़ेदार फिल्में देखने की, अच्छी फिल्में देख, इस तरह की फिल्में देखने की जिसमें से मज़ा हो और वो देख के आ जाए घर, तो ये एक लीग से अलग फिल्म है और इसमें इस तरह की दिक्कतें जो मैंने आपसे बताई। सर, आपको क्या लगता है कि आपकी मूवी किस तरह सक्सेसफुल होगी और कितना बड़ा इफेक्ट डालेगी ये लोगों के दिमाग पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सक्सेसफुल वाली बात, हम जब सिनेमा बनाते हैं, ऑनेस्टली मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस नहीं देखते, हम एक क्रिटिकल एक्लेम देखते हैं कि लोग इसके बारे में कितना बात कर रहे हैं। मेरे लिए सिनेमा की कामयाबी, सबसे बड़ी यही कामयाबी है कि दिल्ली के किसी छपे अखबार के जरिए कोई खबर बनारस पहुँची या दिल्ली के दूर दराज इलाकों में पहुँची, एक उर्दू अखबार ने कह रही है, सब ने कह रही है कि हाँ एक फिल्म बनी है जिसकी ऐसी कहानी है, वो एक इंस्पिरेशन होगी उन लोगों के लिए जो शायद सिनेमा को नहीं देख पाए, उनके लिए ही सिनेमा है, लेकिन वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि ऑब्वियस बात है वो बड़े थिएटर्स में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, लेकिन एक कहानी तो उनको पता चल सकती है इस बात को लेकर ना, कि हाँ ये कहानी जो है इससे मैं रिलेट करता हूँ, ये कहानी मेरी कहानी है, ये कहानी हमारे बारे में, ये इस तरह की बातें हैं, ये कामयाबी है कि आप उस समाज को, उस तबके को एक हीरो दे सकें, एक बता सकें कि देखो भाई इस तरह की कहानी है,
जिसमें आप हैं, आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, तो आप देखिए इससे ओवरकम कीजिए। तो ये है, इसलिए हम दिल्ली में आके बात कर रहे हैं लोगों से, मीडिया से। सर, जैसे सब लोगों ने कहा कि इस पर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होंगी और बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फिल्म एक समय के लिए, कुछ समय के लिए बंद हो जाए या कुछ लोग रिलीज ही ना होने दें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आपको इस बात के लिए कहाँ तक डर है? मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि ये उनका सोचना है, एज ए मेकर मेरा बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है। क्योंकि अब हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी, 10-15 दिन के अंदर रिलीज़ हो जाएगी फिल्म, और ट्रेलर आ चुका है जिसको लेकर बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने क्या कहा कि कंट्रोवर्सी वहाँ होती है जहाँ आपकी नीयत गलत होती है, जहाँ आप कंट्रोवर्सी करके पैसा क्रिएट करना चाहते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। हमारा कोई ऐसा एम ही नहीं है, हमने सीधी सी बात कही कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब जो पढ़ाई के विरोध में है वो आए हमारा विरोध करें, तो वो खुद एक्सपोज हो जाएंगे, अपने आप में सामने आएंगे अगर वो इस तरह की बात। तो ये है, मुझे नहीं लगता। सर, जैसे आपने जया बच्चन जी को और अखिलेश यादव जी को लिया है, तो उनका क्या राय है इस मूवी के बारे में, वो क्या व्यूज़ देना चाहते हैं? देखिए, ये ऑनेस्टली बताऊं कि आप सीधी सी बात में कहूं कि आप वो जिस पद पे हैं और जिस लेवल पे हैं, जिस तरह समाज के लिए उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो कैसी ऐसी फिल्म को सपोर्ट ही नहीं कर सकते जो किसी भी लेवल पे कंट्रोवर्शियल हो, किसी भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। उन्होंने फिल्म देखी, उनको पसंद आया, समझ में आई बात कि कितनी बात कही जा रही है, ईमानदारी से कही जा रही है, कोशिश है वो समाज का, वो उस समाज के उस तबके में जो डिसीजन मेकिंग है, तो उनको समझ में आएगा। इस तरह की फिल्म उनके लिए भी, उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उनको ये भी समझ में आया कि हम अभी हमारी पॉलिसी मेकिंग में चीज़ें कहाँ प्रॉब्लम कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं। तो ये है। तो सर, आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी मूवी के लिए? जी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट, पहली मूवी के लिए भी कॉन्फिडेंट था, इसको भी कॉन्फिडेंट। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी मूवी के लिए, और ये हम ख़त्म करते हैं सर से बात करना, सर को बहुत खुशी है अपनी मूवी के लिए, हम भी उनको बधाई देना चाहेंगे। कि क्रिएटिविटी क्या होती है, तो सवाल पैदा करती है आपके भीतर, और उस सवाल से आपके भीतर एक बेचैनी होती है और आप उस मामले की तह तक जाते हैं। सिनेमा बहुत पावरफुल माध्यम है, जितने क्रिएटिविटी के फॉर्म्स हैं, जो विधाएँ, उनमें सबसे पावरफुल सिनेमा है। सिनेमा इस समय हमारे समाज का मुहावरा कर रहा है। आप याद करिए, ऑल इज वेल, दंगल गर्ल्स का आप याद कर लीजिए, बापू तू तो हानिकारक है, मैं ढेरों उदाहरण आपको दे सकती हूँ। समय समय पर सिनेमा ने मुहावरा गढ़ा है हमारे समाज का, तो इस समय सिनेमा भी बहुत हावी है। अलिफ फिल्म से का जो मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, लड़ना नहीं पढ़ना जरूरी है। देखिए, दुनिया कब बदली, जब कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। जिंदगी कब बदली, हमारी सोच कब बदली, जब हमने पढ़ना शुरू किया। अवेयरनेस कब आई, जब हमने पढ़ना शुरू किया। अलिफ में एजुकेशन को ही मेन कारण बताया गया है, कि जब आप एजुकेट होंगे, जाहिलों को जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनको आप आसानी से कन्विंस कर सकते हो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो विवेक होता है जिसके पास, आप उसको कन्विंस करना मुश्किल होता है, उसको आप उसको बरगला नहीं सकते, क्योंकि उसके पास अपना विवेक है, वो विवेक से सोचेगा। तो पढ़ना, इस फिल्म का ये मैसेज है कि एजुकेट हो। अब एजुकेशन कैसा हो, कई तरह का एजुकेशन, इसमें एजुकेशन वो जो एक व्यक्ति को मनुष्य बनाए, एक सामान्य व्यक्ति को मनुष्य बनाए, जो उसको, तो अलिफ से यही मैसेज आता है कि एजुकेशन होगा, आपके पास विवेक होगा, विवेक आपको अच्छे फैसले करने में मदद देता है। तो इसलिए इस लिहाज से अलिफ बहुत सक्सेस होगी, सक्सेसफुल फिल्म है मैसेज देने में। अब मूवी जिस तरह के थीम पर आधारित है और जिस तरह के सवालों को ये मूवी उठाती है, उससे बिल्कुल ये आशा की जाती है कि ये एक सक्सेसफुल मूवी होगी, एक वाइडर सेक्शन में देखी जाने वाली एक मूवी होगी, क्योंकि ऐसे सवालों को बहुत कम फिल्में उठा पाती हैं, बहुत कम मूवीज उठा पाती हैं। इस एतबार से इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जाहिर है कि बहुत उन्होंने एक बोल्ड कदम उठाया है कि ऐसे सवालों को उठाने की कोशिश की है जिनकी तरफ हमारे समाज की नज़र कम रही है या हमारे मीडिया की नज़र भी कम रही है, और किस तरह से वो सवाल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मुसलमानों को, किस तरह से वो सवाल अफेक्ट कर रही है, कितना प्रभाव उसका पड़ रहा है उन मसलों का, उन समस्याओं का, और कैसे उनका निदान हो सकता है, ये फिल्म उसके बारे में भी हमें सोचने की तरफ प्रेरित करती है। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव थीम को लेकर के, एक सीरियस थीम को लेकर के बनाई गई फिल्म है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी कामयाब होगी, बिल्कुल कामयाब होगी। अलिफ जो इस मूवी का नाम है, ये बहुत सांकेतिक है, बहुत अलामती, बहुत सिम्बॉलिक है। अलिफ जो है वो अरबिक, फारसी और उर्दू जो ज़माने हैं उनका पहला लेटर है,
जिस तरह से अंग्रेजी का पहला लेटर ए होता है, हिंदी का क है या आ है, तो जाहिर है उसी तरह से अलिफ भी पहला लेटर है। पहला लेटर का मतलब होता है एक तरह से आगाज, जहाँ से आप शुरू करते हैं। और जाहिर है कि ये फिल्म भी एक तरह से तालीम को एक आगाज का पॉइंट मानती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट मानती है कि अगर तालीम किसी समाज में हो, किसी कम्युनिटी में हो, किसी समुदाय में हो, तो जाहिर है कि वो समुदाय मंजिल ब मंजिल आगे की तरफ तरक्की कर सकती है, बढ़ सकती है। उस एतबार से ये अलिफ पहला लेटर है, पहली मंजिल है उस समाज को तालीम के हवाले से आगे ले जाने के लिए। तो ये बहुत सांकेतिक है, बहुत सिम्बॉलिक है। जीने के लिए लड़ना नहीं, पढ़ना जरूरी है।